हेलो एवरीवन तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री वेरी बोरिंग टॉपिक अगर हम जनरल परसेप्शन अगर हम देखें स्टूडेंट्स की तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या टीचर्स भी इस टॉपिक को बहुत सीरियसली नहीं लेते ठीक है बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ थ्यूरी ओरियंटेड टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स बड़ा डीप कॉन्सेप्ट ऐसी चीजें जनरली सोचा जाता है कि नहीं है ठीक है बट फिर भी इट इज़ अ रेलेटिवली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो इतना भी बोरिंग टॉपिक नहीं है तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड के सरफेस केमिस्ट्री का हमारी डे टू डे लाइफ में कोई रोल है या नहीं है अब रोल ऑब्वियसली आपको ये सारी इमेजेस देख के कुछ तो लग रहा होगा कि जब इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें यहाँ पर आइसक्रीम आपको दिख रही है तो इसका सर्फेस केमिस्ट्री से क्या के रिलेशन है ठीक है बट फूड इंडस्ट्री में जो हम चीज़ें कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो भी फूड आइटम्स हैं वो पूरा जो प्रोसेस है उनको बनाने का मेंटेन करने का टेक्सचर एंड ऑल दैट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट अपॉन द सर्फेस केमिस्ट्री तो सर्फेस केमिस्ट्री हमें लगता है कि सबसे बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये पर हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी ज्यादा एप्लीकेशन सर्फेस केमिस्ट्री की है ठीक है जनरली स्पीकिंग उतनी बाकी जो हमने पढ़े हैं उनकी उतनी ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है ठीक है जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो वो सर्फेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है देखेंगे उसको फिर नेक्स्ट ये आ गया में भी के ऊपर क्या होता है एक लिब्रिकेंट की लेयर बन जाती है अब वो ल्युब्रिकेंट कैसे डिफरेंट पार्ट के बीच की फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है वियर एंड टीयर को कम करता है इंजन की या मूविंग पार्ट्स की लाइफ इंप्रूव करता है ट इज ऑल अबाउट सर्फेस केमिस्ट्री ठीक है तो अच्छी क्वालिटी का लिब्रिकेन बनाने के लिए यूनिट टू हैव अ फेयरली गुड आइडिया अबाउट द सर्फेस केमिस्ट्री ठीक है फिर यहां पर इस इमेज में अगर हम देखें द लेफ्ट पार्ट ऑफ द विंड स्क्रीन ठीक है किसी बस के ये फ्रंट स्क्रीन है लेफ्ट पार्ट इज ट्रीटेड विथ सम केमिकल राइट पार्ट इज नॉट ट्रीटेड और इट्स रेनिंग तो आप देख सकते हो तो कि यहां पर जो विजन है बहुत क्लियर नहीं है कि पानी जो है वो शीशे पे मतलब इट इज एक्चुअली स्टिकिंग टू द सर्फेस ठीक है फ्लोइंग डाउन जबकि लेफ्ट में द वॉटर इज नॉट स्टिकिंग टू द सर्फेस ओके तो ये जो सर्फेस ट्रीटमेंट है इट इज बेसिकली फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्फेस केमिस्ट्री ठीक है तो ये समझने के लिए कि, कि क्या आपने केमिकल अप्लाई किया वो कैसे इस तरह के चेंजेस ला रहा है दैट इज ऑल अबाउट सर्फेस केमिस्ट्री फिर पानी का गिलास अगर आप हल्का सा टिल्ट करें तो पानी डायरेक्टली सीधा नीचे नहीं गिरता ठीक है इस तरह नहीं गिरता वो वो उसके सरफेस के साथ साथ फ्लो करने लगता है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सर्फेस केमिस्ट्री ठीक है कुछ हद तक आप इसको सर्फेस टेंशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो तो सर्फेस टेंशन भी सर्फेस केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है ठीक है फिर अगर हम रोड्स की बात करें कि रोड्स जो बनते हैं वो सर्फेस केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है फिर दिस इज द ब्राउन शुगर नॉट द ड्रग बट जो शुगर रिफाइन करने से पहले होती है अनरिफाइंड शुगर ठीक है रिफाइन करने के बाद वो क्या हो जाती है कलरलेस वाइट ओके तो ये जो है रिमूविंग द कलर फ्रॉम दिस अनरिफाइंड शुगर इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री फिर ये जो रस्टिंग हो रही है रस्टिंग में भी यो रस्ट बनता है दैट इज अ सरफेस फिनोमिना इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई प्रोसेस हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाले प्रोसेस सरफेस फिनोमेना है जो आप दवाइयां ले रहे हो ड्रग्स ड्रग्स uh, या मेडिसिन कैसे काम करती हैं? आपकी बॉडी में जो कुछ भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो डैमेज कर रहे हैं सिस्टम को वो उन मेडिसिन के सरफेस पे या उस ड्रग के सरफेस पे आके डिएक्टिवेट हो जाते हैं या यू कैन से किल हो जाते हैं ठीक है द वायरस और जर्म्स तो वो भी सरफेस फिनोमिनल है तो मेडिसिन बनाना सरफेस फिनोमिन है तो देर इज टू मच ऑफ सर्फेस केमिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ ओके नाउ आई थिंक यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड पॉइंट तो अगर हम सरफेस फिनोमेना को पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड सरफेस होता क्या है सरफेस जस्ट ये नहीं है कि यहां जो टॉप वाला पॉइंट है दैट इज सरफेस सरफेस इज अ फ्यू मॉलिक्यूल थिक नॉट जस्ट कि टॉप लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही हम सरफेस बोलते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की लेयर जैसे मान लो कि टॉप की तीन चार लेयर्स आपने बोल दिया तो वो तीन चार लेयर सरफेस का ही पार्ट होती है ठीक है दैट इज अवर सरफेस तो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस जैसे कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इंटरफेस आएगा लिक्विड और गैस के बीच में एक इंटरफेस आएगा दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड के बीच में भी इंटरफेस आता है ओके okay, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा लिक्विड लिक्विड जंक्शन ठीक है वहां पोटेंशियल जनरेट होता है दो डिफरेंट वैरायटी के सॉलिड्स होंगे उनके इंटरफेस पे भी मतलब एक इंटरफेस क्रिएट होगा जहां पर वो सेपरेट हो रहे हैं ठीक है तो दीज आर द जनरल इंटरफेस सॉलिड और लिक्विड के बीच का या लिक्विड और गैस के बीच का अब गैस गैस के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता बिकॉज गैसेज एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं ओके okay, तो सॉलिड सॉलिड के बीच में इंटरफेस हो सकता है लिक्विड लिक्विड के बीच में हो सकता है पर गैस गैस के बीच में देयर इज नो इंटरफेस ओके, दिस मच इज क्लियर अब नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल दैट आर सिचुएटेड एट द इंटरफेसेस आर नोन टू बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम दोज इन द बल्क तो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल हो गए एक जो बल्क में प्रेजेंट है और एक जो इंटरफेस या सरफेस पे प्रेजेंट है ठीक है देखो तो सबसे पहले नोटेड डाउन ओके okay. तो अगर ये हम डायग्राम देखें तो ये जो डॉटेड वाला पार्ट है दिस इज द लिक्विड फेज ये आपका सरफेस वाला पार्ट है और इसके ऊपर है एयर तो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है और जो अंदर होते हैं लिक्विड में उनको बोलते हैं कि बल्क फेज में है वो ठीक है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है नीचे वाला दिस इज इन द बल्क फेज और ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल दिस इज ऑन द सरफेस या इंटरफेस अब होगा क्या अब बाकी मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ नहीं किए पर इसके आसपास नीचे और भी मॉलिक्यूल होंगे तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कोई नहीं है उसके लेफ्ट में है यस yes. तो लेफ्ट से उसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही होगी ठीक है उसके राइट right में भी होंगे तो राइट right से भी उसको अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही होगी नीचे की तरफ भी होंगे यहां से अट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है यहां मिल रही है यहां मिल रही है ठीक है तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल को लेफ्ट राइट right और बॉटम से अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस वो करता है ऊपर उसके कोई लेयर नहीं है तो ऊपर से कोई नहीं आ रहा ओके okay? अगर इन सारे वेक्टर्स को आप इनका रिजल्टेंट लो तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा डाउनवर्ड ठीक है ना तो इस केस में हम बोलते हैं कि जो नेट रिजल्टेंट है इस वाले मॉलिक्यूल पे ये डाउनवर्ड पुल हो रहा है अब दूसरा केस देखते हैं ये जो बल्क में है बल्क के लेफ्ट में भी कोई होगा राइट में भी मॉलिक्यूल होंगे ऊपर भी मॉलिक्यूल हैं नीचे भी मॉलिक्यूल्स हैं तो चारों तरफ से इसके आसपास मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर हम बल्क वाले मॉलिक्यूल को देखें तो ये एट क्या कर रहा है इट एक्सपीरियंसिस बैलेंस्ड फोर्स ठीक है सारी फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही है क्योंकि वो आपस में कैंसल आउट हो रही हैं, पर जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है ठीक है दिस अ नेट इनवर्ट पुल ठीक है इसको लग रहा है कि कोई इसको नीचे खींच रहा है और वो रियल भी है यस ठीक है तो दोनों जो सरफेस और बल्क में हैं, उन पे जो फोर्सेस लग रही हैं, बल्क वाले पे बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं और सरफेस वाले पे होती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस जिसकी वजह से सरफेस वाले हमेशा नीचे की तरफ एक फोर्स फील करते हैं पुल फील करते हैं जिसकी वजह से उनमें टेंशन डेवलप होती है अब इसको ऐसे समझो जैसे कि फिजिक्स में आपने पुली सिस्टम पढ़ा था ओके अब मान लेते हैं ये सरफेस का लेफ्ट वाला सबसे लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल है ये सरफेस का सबसे राइट वाला इससे आगे कोई नहीं है ठीक है इनके बीच में है बाकी मॉलिक्यूल अब इसके लेफ्ट में कोई नहीं है तो उसको नीचे से पुल मिल रहा है इधर से इधर से इसको नीचे ठीक और यहां जो बीच में होगा इसको लेफ्ट से राइट से और डाउनवर्ड ओके तो अब अगर इमेजिन करो मैं इनके सरफेस पे एक आ, रोप हम इमेजिन करते हैं ये रोप है ठीक है ये दो पुलिस हैं और इस एंड को ऑफ को भी हम नीचे खींच रहे हैं इस एंड से भी रोप को हम नीचे खींच रहे हैं तो इस रोप में क्या डेवलप होगा टेंशन डेवलप होगी ना जब दो पुलिस के ऊपर रोप पास कर रहे हो और यहां पर भी एक वेट है यहां पर भी एक वेट है तो रोप में टेंशन आ जाती है सेम फिनोमिना यहां पर हो रहा है यहां पर रोप नहीं है यहां पर क्या है सरफेस पर सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ पुल या खिंचाव फील कर रहे हैं ठीक है इसी वजह से द एंटायर सरफेस इज अंडर टेंशन और उसी टेंशन को आप बोलते हैं सरफेस टेंशन ठीक है समझ आ गया तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ही सरफेस टेंशन जनरेट होती है ओके okay, क्लियर तो इतना पार्ट क्लियर है ओके नाउ यू कैन नोट इट डाउन एंड दिस पार्ट आल्सो इसको लिख सकते हो द नियर द मॉलिक्यूल इज टू द सरफेस तो जो मॉलिक्यूल सरफेस के जितना नजदीक होगा उतना ही उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस ज्यादा लगेंगी ठीक है तो ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू ए सिमिट्री दैट इज एबसेंस ऑफ सिमिट्री ओके नाउ वी कैन समराइज इट लाइक दिस तो मॉलिक्यूल पे मतलब मॉलिक्यूल दो टाइप के होंगे एक सरफेस वाले मॉलिक्यूल और एक बल्क वाले तो सरफेस वाले द एक्सपीरियंस इज अनबैलेंसड अट्रेक्टिव फोर्स रिजल्टिंग इन अ नेट इन्वर्ट पुल एंड दिस प्रोड्यूसेस द सरफेस टेंशन बल्क मॉलिक्यूल experiences balanced forces from all the direction and are in a state of equilibrium hai? So this is how we can summarize the whole thing next is the surface tension expresses of surface tension have already physics no 30 it is a force per unit length it's a normal force perpendicular so this is the surface tension expresses the force with which द सर्फेस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट इच अदर अगर जो सर्फेस वाला मॉलिक्यूल है बहुत स्ट्रॉगली नीचे खींचे गए अब फिर से वो रोप वाला कॉन्सेप्ट आ गया रोप पे अगर मैं बड़ा सा वेट यहां पे, भारी सा यहां पे भी ज्यादा भारी तब टेंशन ज्यादा डेवलप होगी ना तो जितना ज्यादा भारी वेट यहां पर लगा होगा दोनों एंडस पे उतनी ही ज्यादा सर्फेस टेंशन जनरेट होगी तो सिमिलर बात है कि मॉलिक्यूल्स को भी जितना स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड पुल लगेगा उतनी ही सरफेस टेंशन आएगी और डाउनवर्ड पुल क्यों लगता है <coughs> क्योंकि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो खींच रहे हैं तो डाउनवर्ड पुल लगा मॉलिक्यूल्स के बीच की अपनी फोर्स की वजह से ठीक है तो जितनी ज्यादा फोर्स से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उतनी ही सर्फेस टेंशन होती है दैट इज वाई वॉटर हैज अ वेरी हाई सर्फेस टेंशन बिकॉज वॉटर में क्या होता है एच बॉन्डिंग अगर वॉटर में एच बॉन्डिंग नहीं होती तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड माइनस वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस के आसपास होता जस्ट इमेजिन वॉटर में अगर एच बॉन्डिंग जैसी फोर्स नहीं होती तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता अराउंड माइनस वन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग की वजह से ही वॉटर की सर्फेस टेंशन बाकी जो लिक्विड है उनके कंपेरिटिवली काफी ज्यादा है ठीक है सो नाउ यू नोट इट डाउन